हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ग्वेनपूल गोज़ टू द मूवीज़ जो हमारी इवेंट क्वेस्ट है उसका जो वीक 3 है वो अनलॉक हो गया है। जैसे मूवीज़ आई थी उसी तरह है इस बार भी। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके बाद आंटमैन, फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और लास्ट हमारा जो है वह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से चैंपियन हमें चाहिए होंगे इस बार। जो गेट है, चैंपियंस का गेट है, उसको पार करने के लिए, जो इवेंट क्वेस्ट है इसको 100% एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चैंपियंस का कुछ बड़ा है या फिर इतना ही है, अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो पहली क्वेस्ट में हम लेके जाते हैं अल्ट्रॉन को। अल्ट्रॉन को ले लेते हैं आर्कएंजल के प्लेस पे। नेक्स्ट के लिए हमने रख लिया येलो जैकेट। तो देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि कौन कौन सी क्वेस्ट में आपको कौन कौन सा चैंपियन लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम चल के अब देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल जो है सबसे पहली क्वेस्ट का वो क्या है। तो ये हमने एंट्री कर ली। ये यहाँ चैंपियन गेट के लिए अल्ट्रॉन ही चाहिए था। डिफ़िकल्टी लेवल देखे तो 1600, 1500, बॉस भी देखे तो 1600, तो उतना ही है जितना पिछली हमारी क्वेस्ट में था डिफ़िकल्टी लेवल। अब मैं जल्दी से ये सारी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइज, जो फर्स्ट फोर क्वेस्ट है हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो जैसे हमने वीक 2 किया था, वीक 1 किया था, सेम ही डिफ़िकल्टी लेवल है अब तक। लास्ट वाली में और एंटर कर लेते हैं इसमें और देख लेते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है इसमें भी या नहीं। तो इसमें जल्दी से एंटर करके देखते हैं इसमें, फिर मैं आपको बताऊँगा आपको कौन कौन से चैम्पियन चाहिए होंगे। तो आप वो पाँचों लेके जा सकते हैं, फिर आपको बार बार बैक टू क्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार एडिट टीम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हाँ, इसमें भी सेम ही है डिफ़िकल्टी, सबकी सेम है। तो चलिए इनको भी जल्दी से मैं कर देता हूँ डिफ़ीट। तो गाइस, ये हो गया हमारा वीक 3 पूरा। अब चलते हैं, चल के बात करते हैं कि कौन कौन से चैंपियन आपको चाहिए होंगे गेट के लिए। और डिफ़िकल्टी लेवल आप सबने देख लिया, डिफ़िकल्ट बिल्कुल जो सेम वीक 2 था, वीक 1 था, वही सेम यहाँ है 1500-1600। यही जो है ये आप अपोनेंट इसी रेटिंग के हमें मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन से चैंपियन आपको लेके जाने पड़ेंगे क्वेस्ट में, और जो चैंपियन गेट है एक बार में इसको 100% एक्सप्लोर आप कर सकते हैं बार बार, फिर आपको एडिट टीम नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबसे पहली क्वेस्ट है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इसके लिए आपको लेके जाना पड़ेगा अल्ट्रॉन। आंटमैन वाली सेकंड जो क्वेस्ट है इसके लिए आंटमैन। थर्ड क्वेस्ट के लिए आपको चाहिए होगा ब्लैक पैंथर सिविल वॉर। डॉक्टर स्ट्रेंज जो फोर्थ क्वेस्ट है इसके लिए आपको चाहिए होगा मोडो। और जो फिफ्थ क्वेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, उसके लिए आपको चाहिए होगा योंडू। तो ये सारे चैंपियन आपको चाहिए होंगे, आप इन सब पांच को एक साथ लेके जा सकते हैं और इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम है और रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी सही है। रिवॉर्ड्स की बात करें तो हमें इसमें टोटल कितने रिवॉर्ड मिले हैं हमें एक बार क्रिस्टल में जाके चेक करते हैं। तो गाइस, 5-स्टार शार्ड्स की बात करते हैं। जो हमने स्टार्ट किया, जो 5-स्टार शार्ड थे हमारे वो थे 2444, अब हो गए हैं 4394। तो ऑलमोस्ट 2000 आपको 5-स्टार के शार्ड मिल गए हैं इस क्वेस्ट से, ऑलमोस्ट 2000 शार्ड हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो देखिए, डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, फ्री के आप मान सकते हैं, फ्री के 2000 शार्ड मिल रहे हैं। पार्टाइल एनर्जी एक एक लगती है, सिर्फ वो चैंपियंस चाहिए होते हैं आपको। अगर आपके पास वो चैंपियंस नहीं है तो आप जो एक क्रिस्टल उन्होंने दिए हुए हैं ये ओपन कर सकते हैं, सिनेमैटिक क्रिस्टल। इसमें चांस होते हैं 2-4 स्टार हीरो मिलने के। अगर सिनेमैटिक क्रिस्टल हमें भी आपको नहीं मिलते, आप नहीं खोलना चाहते, तो आप जा सकते हैं अरीना में, जो 1:1 की अरीना होती है, 1v1, जिसमें आप एक ही चैंपियन लेके जाते हैं अरीना में लड़ने, उसमें भी अभी एक क्रिस्टल मिलता है
उसमें भी आपको चांस होते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है कि वर्सेस में जाना पड़ेगा आपको अरीना का, वहाँ से भी आपको चांस होता है कि आपको चैंपियन मिल जाए। देखिए क्विक मैच जो है ये 1 vs 1 का, और अगर आप अरीना भी खेल रहे हैं, अरीना में भी आपको काफ़ी सारे क्रिस्टल मिल गए, आपके पास अरीना खेलने का टाइम है, आपको फिर भी वो चैंपियंस नहीं मिलते, तो आपको जाना है स्टोर में और यहाँ पे गेट क्रिस्टल की एक अलग से टैब है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 star 5 5 की लिमिट है इसमें जो वैसे हैं, लेकिन आप 2 star सिनेमेटिक क्रिस्टल यहाँ से खरीद सकते हैं 50 यूनिट का। इसमें तो क्या है, आपको कोई भी चैंपियन मिल सकता है, लेकिन जो ये 150 150 यूनिट के जो क्रिस्टल है, इसमें एक स्पेसिफिक चैंपियन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सारे गेट क्रिस्टल यहाँ पे हैं आपके week 1 week 2 week 3 week 4 के, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं, इसमें एक लिमिट है, 5 से ज़्यादा आप खरीद नहीं पाएंगे। इसमें 3 और 4 star चांस हैं उसके ज़्यादा मिलने के, 2 to 4 star हीरोज में मिल सकता है। तो ये 3 मैंने आपको तरीके बताए हैं, तो ये आप ज़रूर करें ये जो एपिक डिफ़िकल्टी है, क्योंकि अभी तक तो इसमें कुछ एपिक है नहीं इस डिफ़िकल्टी में। हो सकता है जो लास्ट वीक होगा week 4 उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ बढ़ाएं, ये मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि week 1 week 2 week 3 में सेम ही चल रहा है, तो week 4 में क्या बढ़ाएंगे। खैर देखेंगे, हम अगले हफ्ते देखेंगे क्या होता है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको आपके पास सारे चैंपियन हैं या नहीं, या आपको जो चैंपियन चाहिए था वो मिला या नहीं। और भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइज, जय हिंद।